Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe in this corona crisis. आज की वीडियो जो होने वाली है वो है राइटिंग सेक्शन के ऊपर. इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन से मैंने IELTS राइटिंग में 7.5 पॉइंट्स लिए. ये वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, सो प्लीज बेयर विद द लैंग्वेज. आई डू अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ यू आर फेसिंग ट्रबल इन द राइटिंग सेक्शन. बहुत ऐसे लोग हैं जिनके राइटिंग में 5.5 से ऊपर नहीं आ पाते हैं. बहुत ऐसे लोग हैं जनरल कैटेगरी का जो पेपर दे रहे हैं वो 6.5 से ज्यादा नहीं ला पाते हैं, जबकि उनके बाकी मॉड्यूल्स के अंदर किसी में 8 है, किसी में 8.5 है, किसी में 7.5 है, बट दे गेट स्टक एट 6.5 व्हेन इट कम्स डाउन टू राइटिंग. नाउ द पॉइंट इज व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन. बहुत ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल टाइम IELTS का एग्जाम दे चुके हैं, कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 5 बार, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर डिजायर्ड बैंड्स. व्हाई इज दिस स्टिल हैपनिंग? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम लाइज इन योर प्रिपरेशन, द प्रॉब्लम लाइज इन योर एग्जीक्यूशन, कि आप एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो. तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई डिड in my time when I gave the exam, what did I follow and what made me score 7.5 in the second time, and I scored 7 in the first attempt in writing and second was 7.5. but before I go to that part, I want to make a small announcement. Any person who's facing any kind of problem, kisi ko IELTS ke 4 module mein se speaking, reading, writing, listening, kisi mein bhi koi bhi tarike ki problem hai, प्लीज फील फ्री टू राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी प्रॉब्लम. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. और कोई मुझे ईमेल करना चाहता है प्लीज फील फ्री. मेरा ईमेल एड्रेस है IELTSwitharun@gmail.com. आप मुझे वहां भी ईमेल कर सकते हैं. वेर प्रेटी सून आई स्टार्ट गेटिंग इन टच वाया व्हाट्सएप, बट अभी के लिए दीज आर द 2 मोड्स यू कैन स्टे इन टच विद मी. अब बात करते हैं IELTS राइटिंग के ऊपर. द फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं प्रिपरेशन करने एंड द वेरी फर्स्ट डे दे स्टार्ट ऑफ विद देयर IELTS प्रिपरेशन फुल एंथुसियाज्म के साथ और वो अपनी राइटिंग शुरू कर देते हैं. एंड क्वेश्चन मिला, आंसर लिखा, अपने बैंड्स लिए एंड दे डोंट कीप इन कंसिडरेशन कि ऐसा क्यों है, बैंड मुझे मिले हैं तो किस बात पे मिले हैं. मतलब क्या सिर्फ पूरे टास्क के ऊपर मुझे मार्क्स मिले हैं, क्या मेरी राइटिंग के ऊपर मिले हैं, मेरी ग्रामर के ऊपर मिले हैं, या फिर जो क्वेश्चन मिला था उसके बारे में जो मैंने कंटेंट लिखा है वो चीज है. Now the point is, before even attempting the question, you should know कि आपको जो answer check होने वाला है या जो आपको bands मिलने वाले हैं वो किस basis पे मिलने वाले हैं, right? So when it comes down to IELTS writing, there are 4 parameters जिसके ऊपर आपकी marking होती है, rather strict marking होती है. The first parameter is cohesion and coherence. इन बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. Reason being कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी marking किसके ऊपर हो रही है तो आप improvise कैसे करोगे. If you know where the problem lies, then only you can manage to correct it and overcome it. So, the 4 parameters on which your IELTS writing is checked. The first one is cohesion and coherence. अब ये cohesion and coherence क्या है? Cohesion coherence होता है कि जो आपने content लिखा है, पहला sentence, दूसरा sentence, तीसरा sentence, क्या वो आपस में linked है? क्या वो एक flow में जा रही है आपकी writing या नहीं? फॉर एग्जाम्पल से लाइक जब आप कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने या फिर IELTS स्पीकिंग में आपने प्रैक्टिस तो की होगी इंट्रोडक्शन की. सो हाउ डू वी प्रिपेयर? अगर हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस. माय नेम इज अरुण चौहान, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली. ठीक है, फिर मैं अपने बारे में और बताता हूँ कि से लाइक मेरी एजुकेशन क्या है या से लाइक देन व्हाट प्रेजेंटली मैं क्या करूँ, मैं हॉबीज में आता हूँ. कभी भी ऐसे तो नहीं होगा कि मैं सीधा ही पहले बता दूँ कि मेरी हॉबीज क्या है. माई हॉबीज इज रीडिंग बुक्स and listening to English songs and whatever. Then फिर मैं चौथी पांचवी लाइन में अपना नाम बताऊं कि माई नेम इज अरुण चौहान. Now that is the incorrect way of handling your introduction, right? Similar case with writing. Writing में भी अगर जो बात पहले आनी चाहिए आप वो तीसरी बारी में कह रहे हो और जो आपकी पांचवी बात है वो तीसरी बात और पहली बात से लिंक्ड ही नहीं है, then it doesn't make any kind of sense. That is an improper writing. Right? So that is cohesion, coherence, कि आपकी सारी बातें जो हैं वो linked होनी चाहिए. आपका जो पहला पैराग्राफ है, जो सेकंड पैराग्राफ है, वो आपस में जुड़ा हुआ है. ये नहीं कि पहला पैराग्राफ आपका एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहा था, दूसरा पैराग्राफ आपका से लाइक पॉपुलेशन के ऊपर चला गया. राइट, सो द कोर आइडिया हैज टू बी लिंक्ड. जो थीम है हमारी वो लिंक्ड होनी चाहिए. दैट इज कोहेजन कोहेरेंस. सेकेंड थिंग दैट कम्स इज योर दिस लेक्सिकल रिसोर्सेस. नाउ व्हाट इज लेक्सिकल रिसोर्सेस?
लेक्सिकल जो वर्ड है दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, बट इट्स वेरी सिंपल थिंग, राइट? लेक्सिकल रिसोर्सेस में मतलब होता है कि आपने जो वोकैबुलरी यूज की है, राइट, वो कितनी वेरीड है. अब वोकैबुलरी से मेरा मतलब ये नहीं कि आपने कितने एडवांस वर्ड यूज किए. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब 7.5 स्कोर किया था तो मैंने इससे दो डिफिकल्ट वर्ड यूज किए थे जिनको मैं डिफिकल्ट कह रहा हूं, है नहीं. पहला है eternal. Eternal means something that stays forever. Now, it's a very simple word. बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता होगा. Second word was ephemeral. Ephemeral मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोग शायद ना यूज करते हो, बट ओवरऑल ये भी कोई बहुत एडवांस वर्ड नहीं है. Ephemeral का मतलब होता है something that is short-lived. That's it. सिर्फ ये दो वर्ड मैं कहूंगा मेरी राइटिंग में डिफिकल्ट वर्ड थे. एज एवरी वर्ड वॉज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. इनफैक्ट जो मैंने लिस्ट बनाई है सिनोनिम की, वीडियो अपलोड की करने वाला हूं, उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत बेसिक से वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड है जो आप रेगुलरली यूज करते हो. सो राइटिंग इज नॉट रॉकेट साइंस यार, कि मतलब कि हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करने हैं. राइटिंग इज कि आप कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो. अगर मैं एक जगह गुड कह रहा हूं तो एक जगह बेटर कह सकता हूं, एक जगह फाइन कह सकता हूं. तो यही हमने करना है कि एक वर्ड के कितने अलग अलग वे यूज में कर सकते हैं कि रिपीटेशन ना हो. मेन आइडिया यही है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए. इससे एग्जामिनर को यह पता लगता है कि हाँ, मेरी जो कमांड है वोकैबुलरी के ऊपर वो काफी अच्छी है, राइट? मुझे पता है कि मैं क्या लिख रहा हूं. ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने रैंडम लिखना शुरू कर दिया. अगर आप हर जगह सेम वर्ड लिखते जाओगे तो वो एग्जामिनर की नजर में आ जाएगा, राइट, पकड़ में आ जाएगा. एंड इट रिपीटेशन आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं. दैट शोज यू डू नॉट हैव अ गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज. So, एक ये हो गया. दूसरा होता है लेक्सिकल रिसोर्सेज में कि कहीं आप स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे. सी लाइक फॉर एग्जांपल, कोई स्पेलिंग लिखनी थी स्ट्रेस की, STRESS, ठीक है. मैं वहां पे सिंगल एस लिख के छोड़ के आ गया जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि मैं पैनिक में था कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं है और रिविजन तो मैंने क्या ही करनी थी, राइट? तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इस चीज के अंदर आ जाती है, विच यू नीड टू आइडेंटिफाई, ठीक है. और कोई और मिस्टेक्स है, ओवरराइटिंग वगैरह. थर्ड चीज जो आपकी आती है, दैट इज ग्रामर. लेक्सिकल रिसोर्सेज हमारा हो गया, देन वी आर डन विद कोहेजन कोहेरेंस, देन ग्रामर एक्यूरेसी इन रेंज. ग्रामर एक्यूरेसी के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो आपने टास्क लिखा है, जहां प्रेजेंट टेंस आनी चाहिए थी वहां टेंसेस का प्रॉपर ध्यान रखा है, जहां फ्यूचर टेंस आनी चाहिए थी वहां टेंस का प्रॉपर ध्यान रखा है कि नहीं रखा, जो आपकी वर्ड फॉर्मेशन है, पर्टिकुलर वर्ड की यूसेज ठीक हुई है या नहीं हुई, सेंटेंस फॉर्मेशन जो आपने की है, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस आपने बनाए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने बनाए हैं, वो जो सेंटेंस बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए हैं नहीं बनाए, वहां पे वो फिट बैठते हैं उस जगह पे जहां पे आपने यूज किए उन सेंटेंसेस को, या वो नहीं फिट बैठते. तो ग्रामर एक्यूरेसी रेंज के अंदर ये चीज देखी जाती है. लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे बहुत लोग गलतियां करके आते हैं पेपर के अंदर, दैट इज टास्क रेस्पॉन्स. टास्क रेस्पॉन्स है कि भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था आपने अपने जवाब में उसके बारे में बात की भी है कि नहीं की. बहुत लोग तो क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते. पीपल डिविएट वाइल राइटिंग द आंसर. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और फटाफट अपना आंसर लिखना शुरू कर देते हैं. दैट इज द मोस्ट इनकरेक्ट वे टू अटेम्प्ट एन आईएलटीएस राइटिंग. आई एम अगेन सेइंग इट इज द मोस्ट इनकरेक्ट वे कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लिखना शुरू कर दिया. ऐसा कभी नहीं करना. दैट इज नॉट द वे यू शुड गो फॉर एन आईएलटीएस राइटिंग. तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया, राइट? बट उससे पहले जस्ट एक चीज, अगर आप अपनी आज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आई एम सॉरी बट योर प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट. प्लीज पहले तो आज की प्रिपरेशन से भी इसलिए मत करो यार कि मतलब आपने पेपर क्लियर करना है, आपने कनाडा, यूके, यूएसए, इंग्लैंड, जहां पे भी जाना है, ठीक है. आप ये देखो कि आपने इंग्लिश सीखनी है, राइट? इफ यू लर्न द लैंग्वेज आपके बाद की प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे. आपने वहां जाके जॉब भी तो करनी है ना. If you'll have a good command of your language, you'll get better jobs, right? Better jobs will be like, to aapka hi fayda hai. It will help you in getting a residency later. It will help you in every manner. Aap jahan marzi jao yaar, agar aapko language aati hai, you will be highly respected. Main ye nahi kehta ki matlab English is the only language. Main yahan language word keh raha hu, ab wo English, Spanish, Hindi, Punjabi, apni jo marzi ho sakti hai. But since we are talking about an international market right now, English is the language of international market which we should know, right? So please make sure that you're reading newspaper. बहुत सारे institutes हैं जो preparation शुरू करा देते हैं बच्चों को पहले दिन, बड़ी बड़ी list दे देते हैं vocabulary की कि आपको यही याद करना है, या say like first paragraph में आपने ये connectors लिखने हैं, ये conjunction लिखने हैं, पर बच्चों को उनका basic use नहीं पता होता कि वो actual में कहाँ कैसे use होने हैं. So please make sure कि आप newspaper पढ़े. Newspaper के अंदर भी आप Tribune से शुरू कर सकते हैं, right? Tribune is one of the finest newspaper. Tribune में page number 9-10 आता है,
एडिटोरियल पेज, ओपिनियन भी कहते हैं, ओपेड भी कहते हैं, आप उसको पढ़ो। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स मिलेंगे लेटर टू एडिटर, वहां से आपको लोगों के ओपिनियन पता लगने शुरू होंगे। इसके अलावा हमेशा छोटे आर्टिकल को पढ़ो, छोटे से बड़े पे जाओ, कभी भी बड़े से छोटे पे मत आओ। देन आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, उन्हें अंडरलाइन करो। बाद में आप क्या कर सकते हो, जब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपको वर्ड पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता गूगल पे जाओ, उनकी मीनिंग देखो, गूगल पे ही हमेशा मीनिंग देखो। कोशिश करो कि आप डिक्शनरी ना यूज करो, वैसे तो आजकल कोई करता भी नहीं है, राइट। तो जब गूगल पे यूज करते हो, इसका बेनिफिट ये है, जब आप गूगल पे डालो फॉर एग्जाम्पल सी लाइक इंपेरेटिव, मैंने डाला इंपेरेटिव स्पेस मीनिंग और मैंने एंटर को हिट किया, तो वहां पे इंपेरेटिव का मीनिंग लिखा जाएगा, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस वहां पे एक स्पीकर भी बना होगा, आप स्पीकर पे क्लिक करो तो आपको साउंड पता लगता है कि वर्ड का साउंड क्या है। स्पीकिंग में तो बहुत हेल्प होने वाली है उस चीज को लेकर, अगर आपको वर्ड का साउंड बहुत क्लियर है। सो इट रियली मैटर्स, बिकॉज इफ यू आर हैविंग द राइट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इट शोज दैट यू आर डीप इन टू द लैंग्वेज, यू नो अबाउट द लैंग्वेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वहीं पे साथ में आपको सिनोनिम्स भी दिख जाते हैं कि और कौन कौन से वर्ड है जिनका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। से लाइक आपको वहां पे और बहुत सारे वर्ड दिखेंगे, से लाइक वाइटल दिख जाएगा, प्री डोमिनेंट दिख जाएगा, डोमिनेंट दिख जाएगा, देर मेनी वर्ड्स विच यू विल सी। तो वहां आपको हेल्प मिलेगी इस चीज में। अब आते हैं राइटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने फॉलो किया। आपको क्वेश्चन मिलता है, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते ही जज्बाती मत हो, डोंट गेट इमोशनल प्लीज। जो मैं मानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन जितना सिंपल होगा वो लिखने में उतना ही मुश्किल लगेगा। कई बार क्वेश्चन जितना बड़ा दिखेगा आपको वो उतना ही सिंपल होगा, इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। कई बार होता है कि मैंने देखा है 5-6 लाइनों का क्वेश्चन होता है पर होता बड़ा सिंपल, उसमें लिखना कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे क्वेश्चन एक लाइन का हो, क्योंकि वहां पे आपको कीवर्ड ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है। जो क्वेश्चन 5-6 लाइन का, उसमें आराम से कीवर्ड मिलते हैं। और आईएलटीएस राइटिंग का मेन मंत्र यही है कि आप कीवर्ड आइडेंटिफाई करो कि कहना क्या चाहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा 2-3 बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो। एक बार में पहले पढ़ लिया, सेकंड टाइम में और स्लो देखो, फिर आइडेंटिफाई करो कीवर्ड क्या है। कीवर्ड मिलता है तो उसे अंडरलाइन करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस आपका एक कीवर्ड है, जब ऐसे कहता है व्हाट आर द एडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज मिले कीवर्ड है। कहीं क्वेश्चन में एनवायरमेंट की बात है तो वो एनवायरमेंट वर्ड मिल लिया कीवर्ड है। पॉपुलेशन की बात है, क्लाइमेट की बात है, ठीक है, इस तरह की, या इफेक्ट की बात है, या से लाइक लॉ आ गया किसी क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे ये वर्ड देखने हैं विच हैव गॉट अ बिगर पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिनकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, तो वो वर्ड्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए, जितने ज्यादा कीवर्ड आइडेंटिफाई करोगे उतना ही बेटर है आपके लिए, ठीक है। पेंसिल से मार्क कर लो। अब जब क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी भी हमने आंसर नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना। अब मुझे आना है बेसिक अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। हम क्या करेंगे, हम आते हैं रफ वर्क की तरफ। क्वेश्चन पेपर के अंदर आप रफ वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली अलाउड है। क्वेश्चन पेपर तो उन्हें ले लेना है, मैंने खुद किया है, ठीक है। आप वहां पे रफ वर्क का कॉलम बनाओ। अब रफ वर्क, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए घर पे, उसके बाद एग्जाम में परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा। रफ वर्क के लिए आपको निकालना है 10 मिनट। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे 40 मिनट का टास्क है, 10 मिनट तो ऐसे निकाल दिया, टास्क क्या खाक होगा। ऐसा नहीं है, अगर आपका टास्क ऑर्गेनाइज हो गया तो उसे लिखने में टाइम नहीं लगता। लिखने का काम सिर्फ 15 मिनट का होता है, 15 मिनट हार्डली, 15 से 18 मिनट में आप आराम से 250 से 300 वर्ड लिख सकते हैं, इतनी स्पीड सबकी होती है। हम सब ने स्कूल किया है, बहुत लोगों ने कॉलेज दोनों कर लिया, वी कैन राइट, वी हैव दैट मच स्पीड। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप रफ वर्क बनाओ। अब आप सोचो कि ऐसे के बारे में मुझे लिखना क्या है। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आपको 2 चीजें लिखनी होती है हमेशा। पहला, जो आपको क्वेश्चन आया है उसको रीफ्रेम करो अपने शब्दों में, उसको रीराइट कर दो। कितना आसान काम है, जो चीज दी है उसी को वहां पर लिखना है। अभी तो आपने कुछ यूज भी नहीं किया, जो चीज दी है उसको रीराइट करना है अपने वर्ड्स में, रिपीटेशन नहीं करनी। एक चीज याद रखो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज वेयर वी आर अवॉइडिंग रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करनी, रादर इसको हम सुपर फ्लॉस भी कहते हैं, ठीक है, रिपीटेशन नहीं करनी। अब मेरे को देखना है इंट्रोडक्शन में क्या है कि 2 चीजें, पहला मैंने लिख दिया रीराइट करके स्टेटमेंट, सेकंड आप अपना स्टैंड क्लियर कर दो वहां पे, क्या क्या करने वाले हो, यू आर इन द फेवर और यू आर अगेंस्ट इट, आप क्या कहते हो कि मतलब आपको लगता है एडवांटेजेस है ज्यादा या आपको लगता है डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, मेक इट क्लियर। ये मेरा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ज्यादा वर्ड्स नहीं लगते, ठीक है। अगर आपको ऐसे 250 वर्ड्स का, तो इंट्रोडक्शन में हार्डली 50 वर्ड आपके जाने वाले हैं। अब आती है सेकंड मेन चीज, जहां पे आपका दिमाग लगेगा, दैट इज बॉडी पैराग्राफ 1, ठीक है, और बॉडी पैराग्राफ 2। आज के अंदर 4 पैराग्राफ भी बन सकते हैं और 5 पैराग्राफ भी बन सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, आप किस तरह से उसे डिपिक्ट करना चाहते हो। मैंने अपने एसे के अंदर दोनों टाइम, जब मैंने आज दिया था फर्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी, मैंने सिर्फ 4-4 पैराग्राफ बनाए थे, बिकॉज दैट इज माई प्रैक्टिस। कुछ लोगों की प्रैक्टिस 5, जैसे मैं स्टूडेंट्स को कोच करता हूँ, कई स्टूडेंट्स है जो 5 पैराग्राफ भी बनाते हैं एंड इट्स परफेक्टली फाइन। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स डू दैट, देर वो उनका वे है लिखने का। द पॉइंट इज टू डिलीवर योर मैसेज, ठीक है, आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो। स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, बस एज सिंपल एज दैट।
अब बीपी वन के अंदर हमने क्या करना है कि अब मैंने देख लिया क्वेश्चन क्वेश्चन आया है से लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जरूरत हम टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं. दीज डेज लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑफरिंग द एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम रादर देन कमिंग टू ऑफिस. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इस क्वेश्चन के साथ सब रिलेट कर सकते हैं क्योंकि देखो स्कूल में भी नहीं जा पा रहे अभी घर पे ही हैं घर से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. ठीक है जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो अच्छे से जानते हैं दे वर्किंग फ्रॉम होम आपके फ्रेंड्स होंगे रिलेटिव्स होंगे यू विल गेट टू. तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिलेट करेगा. अब व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ दिस क्वेश्चन. अब मेरे दिमाग में आ गया एडवांटेज तो बहुत इजी है क्वेश्चन बहुत सिंपल. ठीक है मैंने पॉइंट्स बनाने शुरू किए अपने पॉइंट्स बनाने आपने. ठीक है अब पहले पॉइंट बनाया सी लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस. ठीक है आई कैन स्टे होम. पहला कि मुझे ये टेंशन नहीं है कि मतलब मेरे को ऑफिस मेरा दूर होता था तो मुझे घर से एक घंटा पहले निकलना पड़ता था कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम बच गया. दैट इज और ये बहुत बड़ी बात है कि लॉट ऑफ पीपल एबल टू सेव द ट्रैवलिंग टाइम. तो मैंने पॉइंट लिख लिया कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम बच गया. ठीक है अब दूसरी बात कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं मेरे को यूनिफॉर्म वगैरह की कोई टेंशन नहीं है मैं घर पे कंफर्टेबल क्लोथ के अंदर काम कर रहा हूं. ठीक है एंड आई से लाइक नो वन इज देयर टू सी इट और मैं आराम से मेरे को तो काम से मतलब काम हो रहा है. ठीक है ये मेरे दो पॉइंट बन गए. अब इसके अंदर कोशिश करनी है मैं चार पांच पॉइंट बनाने हैं अपने. ठीक है फिर देन मैं इस चीज के बारे में और सोचू और एडवांटेजेस के पॉइंट क्या हो सकते हैं. से लाइक कई बार आपके पास काम नहीं है तो आपने वर्क स्टेशन को आइडल पे छोड़ा हुआ है आप अपने घर के काम कर पा रहे हो सो दैट इज ऑल्सो एडवांटेज. ठीक है तो ऐसे ही एडवांटेज के पॉइंट बनेंगे और डिसएडवांटेज के पॉइंट भी आपको बनाने हैं. डिसएडवांटेज क्या है कि मेरा तो ह्यूमन टच ही चला गया. ठीक है ऑफिस में जाता था चार लोगों से मिलता था बातें होती थी अब है ही नहीं कोई मैं घर पे अकेले काम कर रहा हूं कहीं ना कहीं वो मेरे को इमोशनली हर्ट कर रहा है. ठीक है दूसरी बात ये कि जब मैं घर पे होता हूं तो घर वालों को लगता है कि ये तो घर का काम कर लेगा कभी मुझे यहां कुछ काम जाना है कभी वहां कुछ काम जाना है हर बार मैं नहीं कर पा रहा. नाउ अब बात ये कि मेरे पास तीन तीन पॉइंट दोनों बन गए तो ऐसा नहीं है कि आप डायरी लिखोगे आप तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखो ये देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है विच इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे पहले आना चाहिए. अब देखो अब जो मैं बात बोल रहा हूँ कई लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हम फटाफट ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं और जब लास्ट में पहुंचते हमें लगता है यार ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है ये पॉइंट ऊपर आना चाहिए था. अब आप बताओ क्या आप उसे रब करके दोबारा सारा लिखोगे. नो यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट रादर टाइम भी तो बचाना है. इसीलिए यहीं पे रब करके पॉइंट्स को अरेंज करना बहुत जरूरी है सीक्वेंसिंग करनी बहुत जरूरी है. अब मैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स का नंबर करूंगा हो सकता है जो थर्ड नंबर पे मैंने पॉइंट लिखा था वो मैं सबसे पहले भी लिखूंगा. सो ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पहले हमने रफ वर्क किया अब हमने उसे ऑर्गेनाइज कर लिया. तो ऐसे ही मुझे अपने एडवांटेजेस के पॉइंट भी बनाने हैं ऐसे ही मुझे अपने डिसएडवांटेज के पॉइंट बनाने. जब पॉइंट बन जाए उसके बाद मुझे सीक्वेंसिंग करनी है कि मैं पहले कौन सा पॉइंट लिखूंगा फिर सेकेंड पॉइंट कौन सा लिखूंगा फिर थर्ड पॉइंट कौन सा लिखूंगा. ये क्लियर है फाइन. इसके बाद जो आपने देखना है कंक्लूजन पे जाना कि कंक्लूजन पे भी मैंने कुछ लिखना है. तो कंक्लूजन पहले ना समझ लो बहुत लोग कंक्लूजन में चाहे मांगे या ना मांगे लोग अपना ओपिनियन लिख देते हैं. लाइक आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स हु इन द हैबिट ऑफ राइटिंग देयर ओपिनियन. ठीक है कि अपना ओपिनियन लिख दिया चाहे ऑथर ने मांगा ही नहीं. तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है. और एक चीज और ये आई और यू वर्ड अब मान के चलो कि आपकी डिक्शनरी में है नहीं जब तक आप बात कर रहे हो आयल से की अगर हमें अपना कंक्लूजन देना भी है जहां पे ऑथर ने बोल ही दिया है कि गिव योर ओपिनियन अब वहां क्या करोगे तो हमें एक स्टैंडर्ड वे में देना है. ठीक है इट कैन बी कंक्लूडेड इट कैन बी ऐसा कहा जा सकता है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने ही कहा है कहा जा सकता है ना इट कैन बी कंक्लूडेड. ठीक है सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं कि जहां पे हम बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट को कैसे शुरू करें फर्स्ट लाइक फर्स्टली लोग लिख देते हैं बहुत सिंपल राइटिंग के अंदर. इफ यू आर टारगेटिंग सिक्स बैंड तो फर्स्टली सेकंडली लास्टली पे जा सकते हो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट. ठीक है इन एडिशन टू जैसे जैसे आप अपने कनेक्टर्स का लेवल चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपके बैंड्स का लेवल चेंज होता जाएगा. ठीक है तो एक बार जब मेरा पूरा रफ वर्क रेडी हो गया तो अब मुझे पता है कि मुझे इसी ऑर्डर में लिखना है. अब आप सोचो जब आपके सामने पूरी ड्राफ्टिंग है टास्क वन क्यों हमारा 20 मिनट में हो जाता है. टास्क वन 20 मिनट में हमारा इसलिए हो जाता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे सामने होती है ना वही इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है बस अपना तो हम कुछ नहीं कर रहे ना. सिमिलरली टास्क टू में अब पहले 10 मिनट में हमने सारी इन्फॉर्मेशन बना ली अब बस उसी इन्फॉर्मेशन को हमने लिखना है एज सिंपल एज दैट. जब आप वो इन्फॉर्मेशन को लिख लोगे बस आपका टास्क खत्म. सो अब देखो 10 मिनट आपने लगाए रफ वर्क पे. अब मैं मान लेता हूं कि आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा राइट. तो कई लोगों को 25 मिनट लग रहे होंगे लिखने में कई लोगों को 27 मिनट कई लोग 28 कई बार कुछ लोगों का टाइम नहीं बचेगा बट द मोर यू प्रैक्टिस वो आपकी हैबिट बन जाएगी. धीरे धीरे करते 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 क्या होगा कि आप अपना टास्क कर पाओगे 20 मिनट के अंदर 22 मिनट के अंदर. सोचो 10 मिनट रफ वर्क को दिए 22 मिनट आपके एग्जीबिशन चले 8 मिनट बचे आप लोग पास. इट्स अ वेरी बिग थिंग वेरी वेरी बिग थिंग इफ आई एबल टू सेव 8 मिनट्स आपने बचाने. जब मैंने अपना टास्क किया था सेकंड टाइम राइट जब मैं सेकंड टाइम किया था तो आई सेव टाइम टू रिवाइज 3 टाइम्स और मैंने बहुत आराम से रिवीजन की थी ये नहीं कि जल्दबाजी में लाइन ने देखते नो आई रिवाइज
थॉरोली, वेरी थॉरोली. शायद यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि मेरा ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर था, क्योंकि मैंने एक मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत सही थी. ठीक है, तो आप रिवाइज करो तो रिविजन में बेनिफिट क्या होता है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई आप पकड़ पाओगे. अगर आप सोचो एक बार रिवाइज करके आपका ऐसे ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो सकता. अपनी नजरों में कोई गलत नहीं होता, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती. फर्स्ट टाइम में आप अपना एरर पकड़ लो बहुत रेयर है, इट्स वंस इन अ ब्लू मून थिंग, राइट? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इडियम, क्या रेयर थिंग. तो जब आप सेकंड टाइम देखोगे तो आपको दिखना शुरू होगा, और थर्ड टाइम तक पहुंच गए तो बहुत ही बढ़िया बात है. रिविजन के अंदर आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो, ओवर राइटिंग हुई है उसको ठीक करो, कहीं पे पंक्चुएशन एरर चला गया उसको ठीक करो. तो जब ये सारी चीजें आप कर लोगे, आप रिवाइज करोगे, तो आपको खुद लगेगा सेटिस्फाइड कि हाँ मतलब इट वेंट वेरी नाइस, के मतलब मेरी जो एडिटिंग है, मतलब जो भी मेरे ऐसे लिखा गया है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, और वो प्रॉपर मैनर में लिखा गया है, और आपको स्कोर में खुद फर्क नजर आएगा. इनफैक्ट वो बच्चे जो इंस्टीट्यूट में प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट फॉलो माई स्ट्रैटेजी. ठीक है, आप थोड़े टाइम के लिए मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपनी ऐसे लिख के अपने टीचर से चेक कराओ, आपको खुद बैंड के अंदर फर्क में नजर आएगा. ठीक है, वो लोग जो खुद प्रिपरेशन करते हैं एंड उनको लगता है कि मतलब हम खुद ऑनलाइन प्रिपरेशन, स्पेशली पीपल हु आर इनटू जॉब, लाइक मेनी पीपल जो पीआर की तैयारी करते हैं, उनके पास होता है कि हम इवैल्यूएशन किससे कराएं. तो आप खुद देखो पहले लिख के, आपको खुद लगेगा सेम क्वेश्चन जो आपने कभी पहले लिखा हो उसको इस स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करके लिखो, और देखो क्या आपके लिखने के अंदर फर्क आया है या नहीं आया. राइट, अब बात करते हैं इसे लाइक इवैल्यूएशन की. अगर किसी को लगता है कि कोई टास्क इवैल्यूएट कराना चाहता है, यू पीपल कैन गेट इन टच विद मी, राइट? यू पीपल कैन गेट इन टच विद मी वाया माई ईमेल, दैट इज alsvidarun@gmail.com. आई डू माई बेस्ट वट आई कैन, राइट, टू ऑफर माई हेल्प एंड असिस्टेंस. So this was the video about how I got 7.5 bands in writing with self-preparation. Self-preparation se upar kuch nahi hai. Yes, at times you do need a mentor. Jo log say like bilkul nahi hai is preparation ke andar. But please, pehle self-preparation karke dekhi. Jab ko thoda bhot pehle khud se samjho. Then go to the mentors, right? You can always go to the mentors. Bahut saare teachers available hai. Online, institutes hai and what not. Theek hai? But pehle try to do this thing. Please make sure I'm saying again. You are reading a newspaper every day. Don't skip it. Okay? That's all for the video. If you like this video, click like, share with your friends who are preparing. And if you have got any problem, please feel free to write down in the comment section. I'll try my best to solve your query. Alright? And jo bhi log exam dene wale hain jaldi, all the best to them. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead.